अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.6 एंड द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 1। और जो इसके पार्ट्स पेपर में इंक्लूडेड हैं वो हैं 1, 3, 5 एंड 7। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 1 एंड पार्ट 3। क्वेश्चन 1 इज यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नंबर 1 द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड नंबर 2 द क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स रूल। तो एक इक्वेशन जैसे कि पार्ट 1 में अगर हम देखें तो पार्ट 1 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो आपने इसको दो तरह से सॉल्व करना है, एक बार मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से एंड नंबर 2 क्रैमर्स रूल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, अगर आप देखें हम क्या कर सकते हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हों तो उसका क्या तरीका होता है कि हम देखें जैसे ये 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 और ये चार एलिमेंट्स हैं ना, तो हम इन चारों को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी देखें इन दो इस वाली दो इक्वेशंस को देखते हुए, फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2, यहाँ पे आ गया माइनस 2, यहाँ आ गया 3 एंड यहाँ पे 2, तो ये मैट्रिक्स बन गया। साथ में इसके कौन से मैट्रिक्स आएगा, ये एक्स और ये वाई, तो एक हम एक्स लिख देंगे और एक वाई, और इक्वल के साइड पे क्या आ जाएगा 4 एंड 6। हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारे पास है स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। नाउ वी हैव टू चेक कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, जैसे कि ये जो मैट्रिक्स एम है ये वाला स्टेप 2, ये आपने बताना है ये सिंगुलर है या नहीं। लेट सपोज के सिंगुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन थी, कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। सो हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम 0 के बराबर हो तो ये कंडीशन है फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब है हमें मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। एम अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2, -2, 3 एंड 2, और डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ए डी माइनस बी सी, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। यानी ए और डी वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। तो देखें ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, सो दिस विल बी आर डिटर्मिनेंट। 4 2 2 4 -3 2 -6 -+4 +6, तो ये आ जाएगा 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। नाउ अब इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो हम इनवर्स लेंगे, लेट सपोज इफ आई से के अगर मैं चाहती हूँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, अगर मैं ये जो इक्वेशन 1 है इस पे गौर करूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए, तो मुझे इसको इस साइड पे लेके जाना पड़ेगा
इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा डिवाइड। और आपको पता है जब कोई भी चीज़ नीचे होती है, जब उसको हम ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर माइनस में आ जाती है। जैसे कि अगर मैं यूँ बोलूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू सी, और अगर मैं करूँ बी इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट, और मुझे ए की वैल्यू अगर लेनी है तो ये क्या आ जाएगा ए इनवर्स सी। ठीक है, इस तरह हम अगर ये करें कि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक्स और वाई को हम इस साइड पे रख लेंगे और हम मैट्रिक्स को उस साइड पे ले जाएंगे तो मैट्रिक्स का इनवर्स बन जाएगा। स्टेप थ्री हमारे पास क्या होगा कि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा एम इनवर्स, साथ में क्या आ जाएगा फोर और सिक्स जो पहले मौजूद है। नाउ इफ यू सी के हमें पता है एम इनवर्स फाइंड आउट करना इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी ईजी नॉट डिफिकल्ट। और ये हमने क्यों देखा था कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, तो क्योंकि अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो जाहिर सी बात है जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी के साथ तो आंसर तो जीरो जीरो आता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स एम इनवर्स अगर हमने फाइंड आउट करना हो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आप इसको यूं भी लिख लें या एम बार लिख लें की बात, ये डिटरमिनेंट ऑफ एम, डिटरमिनेंट ऑफ एम हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ एम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ एम हमें पता है हम किस वे में करते होते हैं, 1/10 इज द ये डिटरमिनेंट 10 है लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं इसलिए 1/10 लिखा। एडजॉइंट कैसे होता है बच्चों, ए और डी को रिप्लेस करते हैं और बी और सी के साथ उनका साइन चेंज करते हैं। चूंकि यहाँ पे +3 था, यहाँ -2 था, जब साइन चेंज किया तो ये क्या बन जाएगा +2। सो हमने यहाँ इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी इस इनवर्स को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, तो हम यहाँ पे अगर इसको वापस इंसर्ट करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10 2 -3 2, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 and 6। ठीक है, सो 1/10 तो है, दैट इज आ जाएगा, हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्चुअली। अब सिंपली ये दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 +2 × 6 -3 × 4 +2 × 6। नाउ इफ वी सी ये आ जाएगा 1/10 2 × 4 = 8 +6 × 2 = 12 -4 और 3 करेंगे तो 3 × 4 = -12 हो जाएगा और 6 × 2 = 12। सो अगर आप ये यहाँ पे देखें (1/10) 8 + 12 = 20 एंड ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो 0। सो 20 / 10 इज इक्वल टू 2, 0 / 10 0, तो ये आ जाएगा 2 और 0 के इक्वल। ठीक है, हमने डिवाइड किया, एक स्टेप हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग डिवाइड भी कर लें। वैसे सिंपल भी है कि हमें पता है 20 / 10 विल बी 2, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक एक्स की और एक वाई की। सो इफ आई राइट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 0, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एंड हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, राइट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में देख लेते हैं, पार्ट थ्री है हमारे पास 4x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x - 5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेम वही तरीका जैसे हम लोगों ने पहले किया था, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिसेस, मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाने हैं, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगी 4 2 3 -5, I will just write the coefficients, साथ में क्या आ जाएगा xy
और यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 1, ठीक है। सो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आप देखें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम ये तो हमारा हो गया स्टेप वन। स्टेप टू हमारा क्या था? स्टेप नंबर टू। स्टेप टू वॉज टू फाइंड द वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इफ इट इज नॉन सिंगुलर इट मीन्स दैट हम इसका सोल्यूशन फर्दर आगे चेक करेंगे। अगर वो सिंगुलर आ जाता है, अगर वो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है हमें आगे फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बस वहीं तक हम स्टॉप कर देंगे फिर। ओके, स्टेप टू में अगर हम देखें, हम चाहते हैं कि ये फाइंड आउट करना कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ एम लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या आ जाएगा? 4 × -1 −3 × 2। 4 होता है और साथ में माइनस, और 6 × −4 −6, तो ये आ जाएगा −10। एज वी नो के −10 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब नॉन सिंगुलर है, इट मींस दैट इसका हम इनवर्स ले सकते हैं। सो अब हम चलते हैं कि स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हम इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स का इनवर्स, और इस साइड पे क्या आ जाएगा? 8 और −1। अब हम एम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एम इनवर्स क्या होता? एम इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ एम। बच्चों अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो वो हमारे पास होता है −1/10 और एडजॉइंट हम ले लेंगे। एडजॉइंट लेने के लिए क्या करना होता है? रोज को कॉल सॉरी ए डी की जगह चेंज करनी होती है, और इन दोनों के सी और बी के साइन चेंज करने होते हैं। तो हम लोगों ने ये एम इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे एम इनवर्स को इस वाली इक्वेशन में पुट करने लगे हैं, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/-10 और साथ में आ जाएगा −1 −2 −3 −4, साथ में 8 −1। इन द सेम फैशन हम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले किया, 1/-10 आ जाएगा, साथ में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा −1 × 8 −2 × −1 −3 × 8 −4 × −1 −1/-10 ये बन जाएगा −8, और ये देखे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +2। 8 × 3 = 24 विल राइट −24 हियर, एंड 4 × 1 = 4 −4, ठीक है। 1/-10 ये आ जाएगा −8 + 2 −6, एंड −24 − 4 इट विल बिकम −28। नाउ हम इसको −6 को −10 के साथ डिवाइड करेंगे, −28 को −10 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी जो −1/10 जिसको हमने बाहर रखा हुआ था, अभी हम उसको अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अब ये देखें ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 × 3 = 6 2 × 5 = 10 3/5, एंड अगर हम देखें 28 और 10 को, तो 2 × 14 = 28 और 2 × 5 = 10, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो वी विल राइट द वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3/5 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 14/5। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।